मेरा नाम ऋषिराज शर्मा है एंड मैंने 2019 में मैकेनिकल से पास किया है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने दिल्ली में ट्यूटर ब्रो प्राइवेट लिमिटेड में जॉब ले ली थी कि ओके, जॉब भी चलती रहे, और साथ में फिर मैंने अपना डिसाइड किया कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा। ओके, उसके लिए फिर मेरे एक सीनियर हैं हिमांशु रंजन सर, उन्होंने भी गेट की तैयारी की थी और उनकी 2019 में ही हमारा रैंक AIR-12 हिमांशु पास को है। एक्सर्जिक का ही फुल कोर्स स्टूडेंट था। हमने दिल्ली में आपके इस बहुत सेरेमनी की थी अच्छे से, बहुत बहुत अच्छा भी लगा था, पर्सनली भी मिले थे तो बहुत अच्छा लगा था। तो उससे जी तो जी मेरी जी अभी भी मैसेज में कभी कभी बात होती है। फिलहाल इंडियन ऑयल में है वो अभी। हाँ सर, IOCL हाँ में हाँ बरौनी में। तो हाँ फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने लास्ट ईयर गेट की, जुलाई के आसपास से स्टार्ट कर दी थी। ठीक फिर है, मैंने अगस्त के आसपास अपने एक्सर्जिक का क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज ले लिया, जो कि मुझे हिमांशु सर ने ही रिकमेंड किया था कि ये बेस्ट है इसे कर, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं इधर उधर ज्यादा दे सकूं, ठीक है। तो हाँ, मैंने जॉब में थे इसको तुम एक ही तो दे, लिमिटेड ही टाइम हाँ होगा। ये सर, तो मुझे बस एक ही दे सकता था मैं, तो मैंने एक्सर्जिक को फॉलो किया। ठीक एंड है, फिर लास्ट ईयर मैंने गेट एग्जाम दिया तो मेरी उसमें AIR-200 आई थी। सो मैं श्योर हो गया कि अरे आप तो अपना PSU मिल जाएगा, बट लास्ट ईयर आपने देखा ही था वो कोविड की वजह से चीज वजह से बिल्कुल लास्ट बस्ट ईयर हो बिल्कुल। गई। जी तो एक चीज सर, बताओ, तुमने ऐसे सेल्फ स्टडी की है वैसे, है ना? जी सर, चलो, बहुत अच्छी बात है ये, अच्छा लगा मेरे को जान के ऐसा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बट उनको कोई एक इंस्पिरेशन सामने नहीं दिखती है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन, सही रिसोर्सेज, जो भी थोड़े रिसोर्सेज हैं उन सब के साथ अगर सही गाइडलाइन से मेहनत की जाए, तो ऑब्वियसली जैसे तुम एक एग्जाम्पल हो अब उन सब के लिए। सर एक्चुअली मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर जैसे आप जॉब कर रहे हैं या फिर हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी हेडक्स होती है, सुबह 6 बजे जाओ, शाम को 6 बजे आओ, ये सब। तो बिल्कुल अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, जैसे कि अभी मैकेनिकल PI के लिए तो अपना एक्सर्जिक बेस्ट हुआ ही है, बिल्कुल और अदर्स के बिल्कुल लिए भी शायद ऐसे कोई होंगी अदर कोचिंग इस टाइप की। बिल्कुल लेकिन अगर टाइम नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरी 6 घंटे की जॉब होती थी और वो भी रात में 12 से 6, तो मेरे साथ ओके, थोड़ा इस हेडक हो गया, सो मैं फिर नहीं फॉलो कर पाया। वजह से अगर तुम आपके ज्वाइन पास नहीं कर टाइम, पाए कहीं पे यस प्रॉपरली। सर, हाँ हाँ, अदरवाइज मेरा प्लान था, जैसे कि मेरे सर हैं हिमांशु सर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि कोर्स भी ले लो, बट उस टाइम मेरे थोड़ा टाइमिंग का इशू था तो मैं हाँ नहीं ले हाँ पाया, बट अगर टाइम है तो आपको लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है पर्सनली। हाँ नहीं देखो, क्योंकि उससे ये है कि देखो सबका अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं डायरेक्शन, अगर कोई साथ जी सर, बताने वाला ना हो तो टाइम लग सकता है, 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास है क्षमता तो कि आप ज्वाइन करो, है वक्त ज्वाइन करो, तो ऑब्वियसली आपके लिए जो सही है आपको फैसला लेना चाहिए। खैर, अपने बारे में फिर बताओ, फिर क्या हुआ? फिर सर मैं पहले तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लग गया लास्ट ईयर की रैंक के अकॉर्डिंग, और अपनी जॉब कंटिन्यू रखी मैंने वही ट्यूटर ब्रो में। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे काफी डिले हो गया, दिसंबर आ गया और कोई PSU नहीं आ रहे थे, तो मुझे हाँ लगा कि आप तो गेट दोबारा देना चाहिए। सो मैं अपने बाहर के इंटरव्यू से फ्री हुआ था 29 दिसंबर को। ठीक सो है, वापस आया आते ही, बॉम्बे से वापस आया अपने दिल्ली, और आते ही मैंने अपने एक्सर्जिक का एक क्वेश्चन बैंक फिर से लिया, दोबारा देना है पूरा, और ओके, टेस्ट सीरीज ली। और पहले, सबसे पहले 2-3 दिन मैंने अपने नोट्स पढ़ने में दिलाए क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, 40 डेज बचे थे और जॉब पैरेलली चल रही थी। सही बात है। सो पहले 2 दिन मैंने अपने उसमें नोट्स में दिए, देन मैंने 6 दिन में अपनी प्रीवियस ईयर खत्म की। उसके ओके, बाद फिर अपने एक्सर्जिक में 18 टेस्ट थे, 15 फुल लेंथ और 3 वो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होते हैं वो। बिल्कुल सो मैंने वो तो एक टाइम बना लिया, एक दिन टेस्ट देना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, मैं 8-9 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था जॉब के साथ, तो टेस्ट देना है और अगले दिन फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करने हैं। 3 से 4 घंटे में काफी कर लेता था मैं। सो वो किया एंड फॉर्चुनेटली हो गया, बहुत 90.68 अच्छा, मार्क्स आ रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छा स्कोर और रैंक है तुम्हारी। अब इसमें मुझे ये बताओ कि तुम क्या, जैसे तुम्हें तुम्हारे सीनियर ने गाइड किया, हिमांशु ने गाइड किया, जी सर, अब वो रोल तुम्हारा बनने वाला है सैकड़ों बच्चों के लिए, जी सर, तो तुम क्या ऐसी चीज उनसे शेयर करना चाहोगे कि यार ये चीज तो करो ही करो और ये चीज बिल्कुल भी मत करो? तो क्या तुम्हारे टिप्स होंगे ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कॉन्सेप्ट्स तैयार करो,
बेसिक जो भी आप कहीं से बुक से या कर सकते हो, और बेस्ट है अगर आप गाइडेंस ले लो लाइक ऑनलाइन कोचिंग. ऑनलाइन में सर फायदा ये होता है ना कि आप रिवाइंड कर सकते हो चीज़ों को बार बार. एंड सर उसके बाद जैसे कि आपके यार सिलेबस हो गया है कंप्लीट, आपने ऑनलाइन या जहाँ से भी किया है, उसके बाद सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर वहीं से उठ के आना है, बस डेटा चेंज होगा और ये सब थोड़ा इधर उधर करते हैं. तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर करो, उसके बाद जो मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूंगा, जो मस्ट है, एक्सर्जिक का क्वेश्चन बैंक जरूर लेना है, क्योंकि उसमें 1000 क्वेश्चन होते हैं जो उनकी क्वालिटी है, लाइक स्पेशली एंट्रोपी अवेबिलिटी. मतलब एंट्रोपी का 15 क्वेश्चन उसके कर लो, लाइक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं एंट्रोपी में कभी भी. एक क्वेश्चन सही बताऊं तो 3 के बराबर है उसका. हाँ मतलब उसमें आप कितने भी आपकी स्पीड अच्छी हो, बट आपको 5-6 मिनट लगेगा ही लगेगा एक क्वेश्चन करने में, इस टाइप का लेवल है उसमें. अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, और आपको पता चल जाएगा नहीं. हाँ, और पता चल जाएगा आपको कि भाई मैं कहाँ कहाँ चीजें मेरी छूट रही हैं कॉन्सेप्ट में, वो इस तरीके से बनाए. सो आप क्वेश्चन बैंक कीजिए, एंड क्वेश्चन बैंक मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2-3 बार मिनिमम करो उसको, क्योंकि पहली बार में आप 15 में से ज्यादा कितने भी अच्छे हो आप 7-8 से ज्यादा सही कर ही नहीं सकते हो, लाइक उसका लेवल इतना स्टैंडर्ड की हुआ है ना. सो आप 2 से या टाइम है तो आप 3 बार करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लो. अब टेस्ट सीरीज में ये होता है सर कि मार्केट में बहुत सारी आई हुई है, बट आप उसको देखो कि गेट से कौन सी मैचिंग कर रही है एंड सॉल्यूशन उसका किस टाइप का है. सो मैंने पर्सनली दोनों साल एक्सर्जिक के लगाई थी. सो मैं तो ऑब्वियसली एक्सर्जिक को अच्छा मानता हूँ, इसलिए क्योंकि टाइम के मेरे पास थोड़ी लिमिटेशंस थी. सो टेस्ट सीरीज लेनी है एंड टेस्ट दो अपने, लाइक आपके पास टाइम है, आपने जैसे तैयारी की है तो आप दिसंबर से ही स्टार्ट कर दो टेस्ट सीरीज, 2 महीने सफिशिएंट होंगे. फुल लेंथ की बात कर रहे हो तुम? हाँ फुल लेंथ. सब्जेक्ट तो आपको अक्टूबर नवंबर में ही स्टार्ट कर देना है. सही बात है. सो फिर उसमें लाइक आपने टेस्ट दिया, आपने क्या गलतियां की. बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि आपने पेपर में 10 मिनट दे दिया, तो आपको ये सोचना है कि हम कहाँ टाइम बचा सकते थे, लाइक 3 ओवर्स होंगे, आप 65 करने हैं, और अगर अच्छी रैंक चाहिए तो आपको 65 में एटलीस्ट 63-64 अटेम्प्ट करना ही होगा. नहीं पढ़ेंगे. यस सर. और कॉम्पिटिशन मैकेनिकल में तो अभी बहुत ज्यादा हो चुका है लाइक. सो फिर आप टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, और एक्सर्जिक में एक अच्छी बात यह है कि वो उसका सॉल्यूशन की वीडियोस भी अपलोड करते हैं साथ में. एनालिसिस जो उसका रहता है. यस सर. तो उसका एनालिसिस करिए, मतलब अगर आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया है तो एटलीस्ट 2 घंटे उसके एनालिसिस और इसमें मिनिमम आप दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं कि एक भी नया क्वेश्चन मिल गया आपको तो उसको आपको पूरा देखना है कि हाँ ये एक नया क्वेश्चन है. सो आप ये करते रहिए और थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस, बीच बीच में एक होता है ना कि आप 1 साल प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत मॉक्स आते हैं लाइफ के जब आप लॉ फील करने लग जाते हैं. सो थोड़ा आप एक होता है कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ बढ़िया होगा, हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अटेम्प्ट कीजिए अच्छे मूड से. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें रिवीजन ऑब्वियसली, जैसे तुमने कहा कि मैंने पुराना जितना था वो अपने नोट से रिवाइज कर लिया, तो ऑब्वियसली इसलिए नोट्स होने चाहिए, अच्छे नोट्स बनाए होने चाहिए. नोट्स होने चाहिए सर, एंड नोट्स को डेली पढ़ना है. लाइक मैंने जैसे अपना इस बार 2 जनवरी से स्टार्ट किया था, और जब पिछली बार भी मैंने तैयारी की थी, मेरा एक फिक्स शेड्यूल था कि मुझे मिनिमम 1 से 1.5 आवर अपने नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स है मेरे, लाइक एक कॉपी बड़ी सी कॉपी थी, उसको डेली पढ़ना है, क्योंकि कहाँ से कोई छोटी सी चीज भी आ जाएगी, कोई फॉर्मूला, और वो एग्जाम में आप डेराइव नहीं कर सकते हो. सो आपको हर फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए कि आपको कोई जाके भी पूछ ले तो आपको तुरंत आप लिख दोगे उस क्वेश्चन को, फॉर्मूले को, तो वो सब याद होना चाहिए अच्छे से. बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हमें स्कूल डेज से आदत होती है कि रिवीजन मतलब क्या एग्जाम से पहले करना है, बट गेट में ऐसा नहीं है. गेट में आपको डेली रिवाइज करना है. बहुत सिलेबस है सर. और सिलेबस बिल्कुल, आपको मिनिमम 3000 के अप्रोक्स तो फॉर्मूलाज मिल जाएंगे अगर आप हर फॉर्मूले को काउंट करने लगे, बिल्कुल याद रखना. और उनमें एक छोटा छोटा डिफरेंस होता है लाइक साइन का, स्क्वायर का, और वो चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए. सो उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. वो डेली पढ़ना पड़ेगा. मैं जैसे देखता हूँ कि अचानक से जब गेट पास आने लगता है 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले, सब लोग इतना ज्यादा इम्फेसिस करने लगते हैं रिविजन पे. मुझे फील होता है कि केवल इसी वक्त क्यों, पूरे साल भर क्यों नहीं. ये तो साल भर वाली चीज है, तो ये जितना जल्दी एस्पिरेंट इस चीज को समझेंगे मुझे लगता है कि उतना उनको बेनिफिट मिलेगा, फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्ट टिप्स पे रहेंगे उनके.
और मतलब वो थ्रू आउट करना आपको, जैसे कि चाहे आप जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो या अगस्त में, जब भी क्या आपको पहले दिन से ये चीज रूटीन बना ले, आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी एक फिक्स टाइम बना लो कि हाँ इस टाइम मुझे सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा कॉलेज में तुम कैसे स्टूडेंट थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे या नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे? सर कॉलेज में मेरा पॉइंट तो अच्छा था, लाइक 8.4 था, बट मतलब इतना मैं अच्छा था नहीं, कंसीडर करूंगा नहीं, लाइक कॉलेज में हाँ पढ़ लिया, लास्ट नाइट स्टडी हो गई, वो सब चलता था। मैं गेट को लेकर सीरियस था जब मैंने जॉब ली प्राइवेट अपने दिल्ली में आया कि हाँ अब गेट देना है अच्छे से। अच्छा कॉलेज में तुम गेट के लिए इतने ज्यादा तुम्हारा मन नहीं था, हिमांशु से जब बात हुई उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें पता चला तब जाके तुम्हारा इंक्लिनेशन बढ़ा। हिमांशु भैया मेरे आइडियल रहे हैं शुरू से ही, मतलब उनका गाइडेंस मुझे प्रॉपर मिला है। एक्चुअली मुझे एक ये भी हो गया कि मतलब कुछ मैंने अपने एक्सर्जिक का वो जो वीडियो कोर्स नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं कमी मुझे हिमांशु भैया ने पूरी कर दी बीच बीच में। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो अंत में सफलता मिलनी चाहिए, जो चाहिए जरिया कोई भी हो, लेकिन जो चीज हमें चाहिए, जो हासिल करना है वो हासिल हो, यही सब हम चाहते हैं सारे लोग। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमसे ये चीज जान के। अब तुम्हारा काम है इन अवे समझो कि अब तुम गाइड बनोगे बहुत सारे और लोगों के, तो तुम समझ सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है गाइडेंस की, कि एक बंदा स्पेशली मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर तुम किसी को जानते हो जो मेनली आपका सीनियर है, उसकी रैंक आई है और वो आपको गाइड करता है, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब आपको लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, वरना आपको लगता है कि यार जो रैंक लाते हैं वो पता नहीं कौन एलियन होंगे, क्या करते होंगे अलग सा। तो लेकिन जब आप किसी को जानते हो ऐसे, तो एक अंदर आत्मविश्वास खुद से आ जाता है कि चलो यार मैं कर सकता हूँ, मेरे सीनियर ने किया है, वो मेरे से बात करते हैं, गाइड करते हैं, तो यार मैं भी इसको कर सकता हूँ। तो इसी तरह तुम भी कोशिश करो कि जितने लोगों में कॉन्फिडेंस भरो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे 5 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। यस, एक चेन है वो बनती रहनी चाहिए, लाइक मुझे गाइडेंस मिला मैं आगे किसी को करूँ, वो किसी को करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं बेस्ट तुम्हारे लिए विश करता हूँ आगे के लिए, और किसी भी तरीके की हेल्प गाइडेंस कुछ भी चाहिए हो तो फिर मैं हमेशा हूँ, और तुम जो भी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी समस्या हो बेझिझक तुम शेयर कर सकते हो। थैंक यू सर। चलो ऑल द बेस्ट ऋषि।